नमस्कार। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह से सिर्फ एक घटना से देश को अपना कानून बदलना पड़ता है। हमारे यहाँ पता ही है कि मैक्सिमम सज़ा जो है भारत में फांसी की है, और उसके बाद जो अगली सज़ा है वो आजीवन कारावास की है। विभिन्न व्यवस्थाओं में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया है कि आजीवन कारावास का तात्पर्य आजीवन कारावास होता है, लेकिन एक वहाँ पे हमारे संविधान में भी, हमारे कानून में, सीआरपीसी में भी प्राविधान है कि कोई भी सरकार कभी भी किसी भी व्यक्ति की सज़ा जो है वो माफ़ कर सकती है, उसे सस्पेंड कर सकती है, और या फिर उसको परिवर्तित कर सकती है। जैसे आजीवन कारावास को कुछ वर्षों की कारावास में, या 7 साल की सज़ा को 3 साल में, 10 साल की को 2 साल में, या पूरी माफ़ कर सकती थी पहले, अभी कर सकती है। वो जो हमारे संविधान में है, दया का जो प्रावधान है, जो राष्ट्रपति और गवर्नर में के पास है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वो उचित है या उचित नहीं है वो हम बाद में बताएंगे आपको, लेकिन फिलहाल है वो। तो 432 सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता और 433 और 433 ए की बात कर रहा हूँ मैं, और 433 ए 32वें संशोधन से 1978 में क्यों लाना पड़ा ये बताऊँगा विशेष तौर पर। पहले तो बात यह है कि बताया मैंने आपको जैसे कि किसी सज़ा को कन्वर्ट करके कितनी चाहे राष्ट्रपति और गवर्नर को अधिकार होता है, सरकार की संतुष्टि पे होता है। उसमें प्रावधान और भी हैं, 432 में ये भी है कि जिस न्यायालय ने जजमेंट दिया होगा उससे पूछा जा सकता है, उसका कारण लिया जा सकता है कि इसकी सज़ा माफ़ की जाए या ना की जाए, वगैरह वगैरह। 432 सीआरपीसी में है और 433 में भी है। को उम्र कैद को कम में कर दें। पहले कोई प्रतिबंध नहीं था इसमें, जब 1974 में सीआरपीसी आई तो 433 में कोई प्रतिबंध नहीं था। जितनी चाहे जब चाहे सजा राष्ट्रपति और गवर्नर को माफ़ करने का अधिकार था, लेकिन एक ऐसी घटना हुई जिसके बाद कानून को बदलना पड़ गया। लखनऊ का एक मामला है, किस्सा लखनऊ का है, और जैसे हर केस हर मामले में जर जोरू और ज़मीन होती है, वहाँ पे यही मामला बिल्कुल ऐसा ही था। वहाँ पे अजीज़ुर रहमान साहब थे, रहते थे लखनऊ में, उनको लकवा मार गया। 1967 की बात है, और लकवा मार के वो अपाहिज हो गए और वो चले गए बलरामपुर अस्पताल में, वहाँ भर्ती हो गए। वहाँ पे उनका वहाँ 10 दिन इलाज चला। सीनियर चिकित्सक जो थे उनके साथ एक डॉक्टर हरिओम गौतम थे, जो इस कहानी के नायक या खलनायक के विक्टिम कुछ कहिए, वो सब ही कुछ हैं। उन्हीं की हत्या हुई, वही खलनायक है, वही नायक हैं। वो वहाँ पे थे और अजीज़ुर रहमान साहब के 3 बच्चे थे, 2 लड़के थे, 1 लड़की थी, 2 लड़कियाँ, 1 लड़का था। एक लड़की का नाम था शमीम रहमानी। शमीम रहमानी ने उससे 1 साल पहले BSc की थी, 18 साल की रही होंगी उस समय वो, और हरिओम गौतम जी थे 35 साल के करीब। 2 लड़कियां, 3 बच्चे थे उनके, एक पत्नी थी, उनके साथ वो रहते थे अपने घर में। इस दौरान जब ये 10 दिन अजीज साहब अस्पताल में भर्ती रहे, तब संबंध बना लिए शमीर रहमानी ने गौतम जी से, और गौतम जी ने शमीर रहमानी से। काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनलिटी थी उनकी, गौतम साहब की, और बड़े शौक के मिजाज से वो। उन्होंने फिर घर आके देखना शुरू कर दिया उनको, अजीज़ुर रहमान साहब को बहाना चाहिए था, वो आना शुरू कर दिया, लगातार आते रहे। मैं वही बताता रहा हूँ जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 25 अप्रैल 1975 को जो जजमेंट दिया, उस पर जो कॉन्टेंट्स उसके आधार पर बता रहा हूँ मैं। हालांकि पूरा केस, तब हम लखनऊ रहते थे, पूरा केस हमें पता है, और
पर जो फैक्ट आए हैं, फैक्ट कुड हैव बीन डिफरेंट, लेकिन जो फैक्ट सुप्रीम कोर्ट में आए थे उनकी बात बता रहा हूँ मैं। हरिओम गौतम जी ने उनके घराना जान शुक्र दिया और उनको अपने स्कूटर में घुमाना, पिक्चर दिखाना सब शुरू कर दिया। और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनके माँ बाप, कहीं सबूत नहीं आया कि शमीम रहमानी के घर वालों ने कोई एतराज कभी किया हो, जबकि वो 35 साल के थे और वो शादीशुदा थे, बाल बच्चेदार थे और ये लड़की 18 साल की थी। तब भी ऐसा सबूत कहीं नहीं आया पूरे मुकदमे में कि उसके घर वालों ने कोई एतराज कभी किया हो। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, मैंने कह रहा इस बात को। अब हरिओम गौतम जी स्मार्ट आदमी थे, पढ़े लिखे आदमी थे, डॉक्टर थे, तो उनके और भी संबंध कई महिलाओं से हो गए और उनके साथ वो कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ वो जाने लग गए, रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, पिक्चर हॉल में, थिएटर्स में जाने लग गए, ऐसा साक्ष्य आया है। अब हालांकि शमीम रहमानी को ये पता था कि हरि ओम गौतम विवाहित आदमी हैं, उनके 3 बच्चे हैं, पत्नी हैं, लेकिन वो तब भी उन पर एकाधिकार चाहती थी कि मेरे अलावा इनका कोई किसी और से वास्ता ना हो। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो खुद तो अतिक्रमण कर रही थी हरिओम गौतम के, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि उनके संबंधों में कोई अतिक्रमण करे। जेलस इज द नेम ऑफ वीमेन, ये लोग कहते हैं। हालांकि अब तो संसार बदल गया, दुनिया बदल गई, ऐसा कुछ नहीं है, आदमी करता है, तरक्की सर को जलता है, हर एक के दूसरे चीज से जलता है। 1968 को कहीं देख लिया शमीम रहमानी जी ने, क्वालिटी होटल है वहाँ पे, एक रेस्टोरेंट लखनऊ में, वहाँ पे सामने किसी महिला के साथ देख लिया, वहाँ उनको उन्होंने चांटा मार दिया हरिओम गौतम को। यहाँ से उनका कहानी शुरू हुई। फिर धीरे धीरे हरिओम गौतम जी का उनके घर आना थोड़ा कम हो गया और महिलाओं के साथ घूमते थे वो, जैसे बताया, जैसे लिखा सुप्रीम कोर्ट ने, जाना होटलों में, रेस्टोरेंट्स में जा करके वहाँ पे। ये बात शमीम रहमानी को बुरी लगती थी, चांटा उन्होंने मारा 17 जनवरी को। उसके बाद फिर जो बताता है ये मुकदमा कि 2 या 3 जुलाई को वो उनके घर गए थे, फिर 9 तारीख को वो फिर गए शमीम रहमानी के यहाँ जा कर के। बीच में उनकी मुलाकात देख उन्होंने घर जाना कम कर दिया था शुरू, 9 तारीख को फिर गए वहाँ पे, फिर बातचीत हुई, कुछ गहमा गहमी हुई होगी। फिर 11 तारीख को, जिस दिन की घटना बताते हैं, 11 तारीख को 3 बजे गौतम जी, डॉक्टर गौतम तब सिविल हॉस्पिटल लखनऊ में पोस्टेड थे, वो गए वहाँ से शमीम रहमानी के घर। वहाँ वो बात हुई, शमीम रहमानी ने उनसे कहा कि आप रात को मेरे घर आइएगा। उसके बाद वो घर चले गए और शाम को अपने पत्नी के साथ, अपने एक्वेंटेंस कोई प्रिंसिपल साहब थे उनके घर गए। फिर एक वहाँ CID में DYSP थे साबिर खान, उनका फोन आ गया कि उनके सिर में बहुत दर्द है, उनको देखने ले गए, उनको वहाँ दवाई ववाई दी और फाइनली वो करीब 11 बजे करीब वहाँ पहुँच गए शमीम रहमानी के घर में। शमीम रहमानी के घर का जो ड्राइंग रूम था उसका वेस्टर्न दरवाजे से वो अंदर आए, ईस्टर्न और सेंट्रल दरवाजे उसके बंद थे और वेस्टर्न दरवाजे की तरफ शमीम रहमानी का जो था वो उनका शैनक वो था, बेडरूम था, और बगल में उनका एक कमरा और था। वहाँ पे वो पहुँचे हैं 11 बजे करीब, 11:15 बजे करीब। वो दोनों में कुछ झगड़ा हुआ, एक दो गवाह इस बात क्या है, कुछ गवाह आवाज़ बहुत तेज निकली वहाँ पे, कुछ बाटी थे वो गवाह थे इसमें, और वो डॉक्टर साहब जो थे वो वहाँ से निकले बाहर। इतने में शमीम रहमानी अब अंदर फिर गई कमरे में अपने, वहाँ से डबल बैलर गन लेके आए, DB बैल, और उसने आते एक फायर किया जिसमें हरिओम गौतम बच गए, लेकिन उससे दूसरा जो फायर किया वो उनके दाहिने चेहरे पे लगा और वहीं पे हरिओम गौतम जी की मृत्यु हो गई। तो ये इस पर केस चला उनके ऊपर, गवाह थे उसमें त्रिपाठी था, एक दो और गवाह थे, साबिर खान था, वकील सब गवाह थे उसमें, और साथ में लव लेटर जो थे हरिओम गौतम के वो मिले शमीम रहमानी के पास से, और शमीम रहमानी की कुछ शिट्स लिखी हुई प्यार मोहब्बत की जो ऐसे होती हैं वो मिली पुलिस को, वो प्रोसिक्यूशन ने उसको रिलाई किया और सारे एविडेंस कलेक्ट करके और बंदूक लेकर कब्जे में वगैरह वगैरह उन्होंने चार्जशीट दी और फाइनली शमीम रहमानी को आजीवन कारावास लोअर कोर्ट सेशन जज के यहाँ से हो गया।
उसके मैं कानून का, ये तो संदर्भ तो उस बात का जिस वजह से कानून बदला गया देश का, 433 ए को इंट्रोड्यूस किया गया सिर्फ एक हद तक वजह से। उस समय ये मामला गया है, एक उनका भाई था उसको बिकॉज ऑफ सेक्शन 25 एंड सेक्शन 30 और उनको 120 में शामिल कर दिया, बंदूक उनकी थी, उनको भी उन्होंने सजा वजह बोल दी थी 120 बीच में। तो दो तीन अपीलें गई थी, 121 122 और 123 चैत, ये इनका नंबर था 73 की जो तय हुई हैं 25/28/5/1975 को सुप्रीम कोर्ट ने तय की है 121 122 123 123 में उसका भाई मुलजिम था, जिसमें बाद सुप्रीम कोर्ट ने 120 भी खत्म करके बरी कर दिया। और शमीम रहमानी और हाई कोर्ट में भी शमीम रहमानी की अपील खारिज हुई, उसके खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट गई। जब अंडर ट्रायल थी तो उस समय कानून था देश का जो अभी भी है लागू नहीं होता कि महिला थी इसलिए उनकी बेल हो गई कुछ दिन बाद, फिर हाई कोर्ट गई अपील बेल हो गई, सुप्रीम कोर्ट से उनको बेल मिल गई पहले, बाद में 75 में ये केस तय हुआ। उससे दौरान करीब 2.5-3 साल शायद वो जहाँ तक मुझे याद है जजमेंट लिखा नहीं वो जेल में रहीं। उस समय हमारे राष्ट्रपति थे स्वर्गीय फखरुल अहमद साहब। सुप्रीम कोर्ट से अपील SLP खारिज होने के बाद ही तुरंत राष्ट्रपति महोदय ने सरकार की संतुष्टि पे शमीम रहमानी की बाकी सज़ा माफ़ कर दी, आजीवन कारावास के बदले उसको शायद 2 या 2.5 साल जेल में रहना पड़ा और वो बाहर आ गए, अब तक जिंदा है वो। उससे पहले एक नानावती वाला केस प्रेम आहूजा वाला सबको पता है, उसमें भी हो जाता था। जब ये शमीम रहमानी का केस हुआ, जब राष्ट्रपति के ताकत से उनको आजीवन, एक आदमी मृत का मर्डर हुआ वहाँ पर सबूत मिला, सुप्रीम कोर्ट तक मामला तय हो गया और एक व्यवस्था के कारण जो CRPC में 432-433 में थी और जो सुप्रीम जो कॉन्स्टिट्यूशन विंडे में दे रखा क्लीमेंसी का पावर जो है राष्ट्रपति के गवर्नर की, उसको रिहाई मिल गई। अब जब सरकार ने ये देखा भाई ये भी हो सकता है, तो उन्होंने 1978 3 साल लगे करीब 2.5 साल करीब जुलाई का मामला था वो, जजमेंट अप्रैल का था, 3 साल 2.5 साल बाद उन्होंने कानून अमेंड कर दिया, टाइम लगता है कोई। अब ये कानून आ गया है कि कम से कम 14 साल अगर जब तक कोई व्यक्ति आजीवन कारावास में नहीं काट लेता तब तक राष्ट्रपति और गवर्नर और सरकार की ताकत भी कर्टेल कर दी गई है 433 के अनुसार, 433 ए के अनुसार, ठीक। अब जब तक 14 साल की सजा नहीं काट सकता तब तक फॉर्म ए नहीं भरा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का अधिकार नहीं छोड़ने का, हाई कोर्ट का अधिकार नहीं छोड़ने का, सजा माफ करने का, ये पार्डन करने का, ये सेंटेंस सस्पेंड करने का खाली सरकार को अधिकार है। इसे हम चर्चा कभी बाद में करेंगे। अब जो मुद्दा जो है ये है कि हम लोग कानून बनाते हैं लेकिन बनाने से पहले पढ़ते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामले गए होंगे 432-433 कई बार गए होंगे, किसी ने गौर नहीं किया, क्यों नहीं किया मुझे पता नहीं, किसी वकील ने क्यों नहीं पढ़ा मुझे पता नहीं। 433 में पढ़ता हूँ, देखिए जब कोई नया कानून आता है तो पिछला कानून जो होता है उसे ख़त्म कर देते हैं, उसे सेविंग प्रोविजन कहता है, जो हर कानून में होता है कि भैया पुराना कानून ख़त्म अब ये लागू होगा। 433 और 433 ए दोनों CRPC से एग्जिस्ट कर रहे हैं, मैंने बिल्कुल लेटेस्ट भी किताब देखी कन्फर्म करने के लिए कि मैं कहीं गलत ना कह रहा हूँ। 433 में जितने विद्वान अधिवक्ता हैं, जितने हमारे न्यायविद हैं जो रिटायर हो चुके हैं, जो अपने आप को सक्षम समझते हैं कि उन्होंने कानून पढ़ लिया और समझ लिया, मैं उनसे पूछता हूं क्या उन्होंने 433 और 433 ए पढ़ा, आज तक इसने बात को उठाई। 433 क्या कहता है कि अगर कन्वर्ट की जाएगी सजा आजीवन कारावास, अगर 433 में अगर राष्ट्रपति या गवर्नर या सरकार फॉर्म ए के अनुसार उम्र कैद को बदलता है तो उम्र कैद की सजा 14 साल से ज़्यादा नहीं होगी, समझ गए क्या कह रहा हूँ मैं। 433 पढ़ लें एक बार कि वो 14 साल से ज़्यादा नहीं होगी, और 433 ये क्या कहता है कि वो कन्वर्जन जो होगा वो 14 साल से कम नहीं होगा। अब बताएं ये हमारे देश का कानून है और उन्हें पढ़ा होगा, अब चुनौती दे रहे हैं आए इस बात को पढ़ें, जवाब दें इस बात का, सरकार इस बात का जवाब दे कि ये कानून कैसे बन रहा है, क्यों एग्जिस्ट कर रहे हो, और फिर सुप्रीम कोर्ट तक में इस बात को हम लोग अधिवक्ता जो 20-25-25 लाख एक दिन की डेट लेते हैं, एक तारीख के वो लेते हैं, और उन्हें कहा जाता है वरिष्ठ अधिवक्ता कहा जाता है, लोगों को डेजिग्नेटेड सीनियर्स हैं जिनका सम्मान करते हैं दुनिया, उन्होंने ये कानून
क्यों नहीं उठाया मुद्दा ये वाला कि 433 अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो 433 एक जरूरत क्या, और 433 आ गया तो 433 एग्जिस्ट क्यों कर रहा है? अभी भी सीआरपीएफ देख रहे, दोनों मौजूद है उसमें। ये तो वही बात होगी जैसे डॉक्टर किसी से कहे भाई ये दो गोली खानी है, एक तो सोने के आधे घंटे बाद, एक जागने से आधे घंटे पहले, कैसे दोनों बात संभव है? तो इस बात को देखिए, बाकी जो राष्ट्रपति की पावर्स हैं और जो गवर्नर की पावर्स हैं उसके बारे में, और आजीवन कारावास क्यों, आजीवन कारावास नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं मुद्दे उठाए वाले? मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आजीवन कारावास नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं जाकर के तय करना पड़ेगा कि कितने साल बाद कोई आदमी छूटेगा। एक मान लीजिए एक व्यक्ति 20 साल का है, 21 साल का है, उसको आजीवन कारावास हो गया, उसकी उम्र 80 साल है, नेशनल जो उसकी एज है, वो 60 साल जेल में रहेगा। एक आदमी जिसको 20 साल वाले को साल में सजा मिल गई, पैसे नहीं है, वो अपील नहीं कर पाया, हाईकोर्ट ने कहा उससे सजा काटना पसंद किया, मजबूरी थी उसकी, तो वो तो 60 साल रहेगा जेल में जब तक मरेगा नहीं। दूसरा आदमी पैसे वाला आदमी है, 20 साल में, 21 साल में, 25 साल में कत्ल किया उसने, 7-8 साल लोअर कोर्ट में खींच लिया, 14 साल तक खींच रहे, हमें पता है, रोज देख रहे हम लोग। उसके बाद हाईकोर्ट जाएगा, वहाँ पर यूपी में 37 साल बाद नंबर आ रहा है। 1983 और 84 केस पढ़ने के मैं दावे से कह रहा हूँ जो अब तक तय नहीं हुए हैं, और उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट 3-4 साल बाद पता चला कि वो 60-65 साल का हो गया उम्र का, 70 साल का हो गया। अभी एक केस हुआ था, ट्रिपल मर्डर था, खरगोदा थाने का, 7-8 साल पुरानी बात है, 90 साल की उम्र में जेल जाना पड़ा। तो 70 साल का आदमी, 75 साल का आदमी जेल जाता है, 5 साल में डेथ हो जाती है, उसकी उम्र क्या 5 साल की है, और एक आदमी जो गरीब आदमी जो अपील नहीं कर सकता, ये जो कॉन्फेशन कर लीजिए, मान लीजिए कॉन्फेशन कर सकते, कॉन्फेशन का प्रोविजन है, उसे 21 साल में सजा मिल गई, वो 80 साल तक रहेगा। तो इन बातों पर सब विचार करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं देखिए, कानून सजा का प्राविधान IPC में ना कि CRPC में, ये तथ्य सुप्रीम कोर्ट के सामने शायद पेश नहीं किए गए जब ये तय हुआ कि आजीवन कारावास क्या होता है। दफा 57 में साफ लिखा है कि कैलकुलेशन के लिए उम्र क्या 20 साल की होगी, आज तक उसको अमेंड नहीं किया गया है। सजा होती है IPC में, डिफाइंड होती है IPC में, अमेंड कर रहे हैं आप CRPC, और कैसे अमेंड कर रहे हैं वह आपको बता रहा हूँ। धन्यवाद, अगली बार नई बात। थैंक यू। नमस्कार।